यू तो आपने संसद में नोकझोंक गर्मा गर्मी वाली बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन कई बार हमारे नेता संसद में ऐसी बात बोल देते हैं कि लोग हंसते हुए नहीं थकते। आप सब ने लालू जी का पहले वाला संसद में भाषण सुनाई होगा और देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी की शायराना अंदाज में संसद में सुषमा स्वराज जी को दिया गया जवाब किसको नहीं याद है। ये तो हुई पुरानी लोकसभा की बात, अब नई लोकसभा का जिक्र करते हैं। बजट 2024 पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ तो सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति और जगदीप धनखड़ के बीच फिर रोचक नोकझोंक भी देखने को मिला। दरअसल बहस पर चर्चा के दौरान खड़गे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में केवल दो राज्यों को ही सरकार ने दिया है, बाकी किसी राज्य को कुछ नहीं मिला है। इसी दौरान जब सभापति ने कहा कि वित्त मंत्री आपके सवाल का जवाब देंगी, तो खड़गे ने निर्मला को माताजी कह दिया। बीच में धनखड़ ने कहा कि वित्त मंत्री आपके सवाल का जवाब देंगी, तो खड़गे ने कहा कि वो तो माताजी है, बोलने में एक्सपर्ट है, वो तो बोल ही देंगी। इस पर तो सभापति ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि वो तो आपकी बेटी के बराबर है। इस पर खड़गे ने कहा कि वो तो अपनी बात कह रहे हैं। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि किसी राज्य को कुछ नहीं मिला है, सबकी थाली खाली है, दो की थाली में पकोड़ा और जलेबी दी गई है, दो को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला, ना तमिलनाडु को मिला, ना केरल को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया गया, उड़ीसा को कुछ नहीं दिया गया। ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो तो कैसा होगा? मेरी अपेक्षा थी सबसे ज़्यादा मुझे ही मिलेगा। हम इसका विरोध करते हैं, इंडिया पार्टी अलायंस इसका विरोध करते हैं। गौरतलब है कि बजट का विपक्षी इंडिया गठबंधन जोरदार विरोध कर रहा है। लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है, संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। ये रहा हमारे महान लोकतंत्र का एक छोटा सा किस्सा, और ऐसे ही कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।